अनुपमा में आगे देखने को मिलेगा कि अनुज अनुपमा को मंदिर लेकर जाएगा और उससे अपने दिल की बात कहेगा। अनुज अनुपमा के सामने जाहिर करेगा कि वो अभी भी उसी से प्यार करता है और बेवकूफ़ी में उसे छोड़कर गया। वो अनुपमा से भी सवाल करेगा कि उसने कुछ क्यों नहीं पूछा। इस पर अनुपमा कहेगी कि आपके आगे हाथ जोड़ना मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ था और आपको रोकना आपकी खुशी के खिलाफ। आपके प्रेम पर मेरा हक था जिसे आपने किसी और को दे दिया। अनुपमा की बातें सुनने के बाद अनुज उसे सारा सच बताएगा। वो उसे बताएगा कि कैसे निकलते वक्त माया ने उसे ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो निकल गया तो उसके पास छोटी का फ़ोन आया जो बिलख कर रो रही थी। अनुज बताएगा कि जब वो घर वापस गया तो उसे माया को ज़मीन पर पड़ा देखा और वो खून में लथपथ थी। वो बताएगा कि उसे लगा कि माया की हालत उसकी वजह से है, ऐसे में वो तुरंत उसे अस्पताल लेकर गया। अनुज आगे अनुपमा को बताएगा कि माया की हालत बहुत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से उसे वहाँ रुकना पड़ा, लेकिन उसके मन में माया के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि समय आने वाले मोड़ यहीं पर ख़त्म नहीं होते। अनुज अनुपमा से पूछेगा कि आगे क्या करना है, जिस पर वो जवाब देगी कि वक्त ने जो रास्ता आपके सामने खोला उस पर आपको चलना पड़ा। अब वक्त मेरे सामने जो रास्ता खोल रहा है उस पर मुझे चलना होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि अनुपमा अनुज को छोड़कर अमेरिका चली जाएगी।